हे एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सुहू दो जान्यू। हाई माई नेम इज स्वेच्छा। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रूम मेकओवर। सो ये पूरा खाली रूम है, इसे मैं कन्वर्ट करूँगी स्टडी और गेस्ट रूम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। पूरा खाली रूम है आप देख सकते हैं। सो इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने वाली हूँ। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो कॉर्नर में मैं एक टेबल रख दूंगी, ये देखिए। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे ये मिला। और इसे ऑर्गेनाइज करना, फिक्स करना भी बहुत इजी है। आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल लगी मुझे ये। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। साइड में मैंने पिंक कलर का एक ड्रॉअर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस है इसका और बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है ये, इसलिए मैंने इसे मंगाया था। ये भी मुझे 900 समथिंग में मिला था। सो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए टेबल ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। टेबल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपके घर में जो भी मटेरियल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से परचेस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास वेस्ट लैम्प पड़ा हुआ था, इसे मैंने पेंट करके इसका यूज़ कर रही, मतलब मैंने स्प्रे किया हुआ है इसमें ब्लैक कलर का, तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इसका। और ये पेन स्टैंड आप देख रहे हो, ये मेरा हैंडमेड बनाया हुआ है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वॉल डेकोरेट करेंगे टेबल के जस्ट ऊपर। तो ये मैंने 3D आर्ट बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना और वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके वॉल डेकोरेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सारे वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई चीज़ें ही यूज़ की हैं। सो आपको परचेस करने की, जैसे कि मैंने कहा, ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ बना सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ वीडियो में ही अच्छे लगते हैं। सामने से बहुत बड़ा बड़ा रूम लगता है, मतलब स्पेस ही नहीं रहता निकलने के लिए, ना ही और चीज़ें रखने के लिए। सो आप चाहें तो प्लांट्स का कम यूज़ करें, जैसे कि मैंने कम ही यूज़ किया। मैं आपको फाइनल व्यू दिखाऊंगी रूम का। तो यहाँ पर मैंने ये पोस्टर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं और चाहें तो परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जितने भी ये थॉट्स हैं म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो मैं इनका यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही डिसेंट लगने वाली है ये वॉल, आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है, फ्लावर मैंने बाहर से परचेस किए थे बहुत टाइम पहले, और फ्लावर पॉट मैंने बनाया हुआ है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये स्माइली बॉटल्स, जो पेंटिंग बॉटल्स होती है उनका यूज़ करके मैंने ये स्माइली बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। सो सेम डिस्टेंस मैंने हम लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। काफ़ी क्यूट लुक दे रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो दो और नीचे लगा सकते हैं, बट मुझे इतना काफ़ी लगा इसलिए मैं सिर्फ 3 ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और इनके ऊपर हमने फ्लावर्स रख दिए हैं, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही प्रीटी लग रहा है। आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है, मतलब इनको देख के आपको खुद ही स्माइल आ जाएगी, इतनी क्यूट सी स्माइली लग रही हैं ये। तो आप ऐसे बना के अपने वॉल को अलग तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा। सो ये फाइनल यहाँ पर व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का है। अगर आपके पास बेड नहीं है तो आप मैट्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने चेयर्स रख दी हैं, आप ये वॉल देख रहे होंगे, साइड साइड में यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में स्पेस है। तो यहाँ पे हम लाइटिंग का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो कलरफुल लाइट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट्स आती है मार्केट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वाइट लाइट पड़ी हुई थी, मैं उसी का यूज़ यहाँ पर करूँगी ताकि थोड़ा डिसेंट लुक लगे। तो इस तरीके से आपको लगा देनी है वॉल पर, पिलर के साइड से पूरा हम नीचे तक लगाएंगे, काफ़ी अच्छा लुक लगेगा, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये। सो दिवाली है, सो दिवाली के हिसाब से भी ये डेकोरेशन अच्छा है, और परमानेंट डेकोरेट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए। सो ये रहा इसका कंप्लीट व्यू, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वीडियो में थोड़ा कम। सो इस तरीके से अपनी वॉल को आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड वॉल को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का कलर्ड पेपर लेंगे। सो जो चार्ट पेपर आता है ना गिफ्ट पैक करने वाला, वो परचेस कर सकते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला। सो मैंने वही परचेस किया था, एक्चुअल में मैंने ये किसी और पर्पज़ से लिया था, बट मुझे एक आइडिया आया तो मैंने सोचा इसका यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं वॉल पर। सो मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं मेज़र करके, जितनी चौड़ी आपको बॉर्डर लेनी है आप ले सकते हैं, जितना पतला लेना ले सकते हैं। एक बार में आपको बॉर्डर बनानी है या और मल्टीपल टाइम बनानी है, आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। सो इस तरीके से आपको इसे स्टिक कर देना है वॉल पे। आप सिंगल टेप का यूज़ करिए, डबल साइड टेप में वॉल ख़राब हो जाती है, सो आप सिंगल टेप का यूज़ करके इसे वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं।
ये आप जब एंड में देखेंगे तो बहुत अच्छा लुक लगने वाला है आपको ये। तो जैसे मैंने ये सिंगल बॉर्डर बनाई है जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे आप नीचे एक और बॉर्डर बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। बट मैंने एक सिंगल ही बनाई क्योंकि मुझे डिसेंट वे में चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसीलिए। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा स्पेस बाकी है एंड में, तो उसे भी हम कवर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आपको जो भी हैंडमेड चीज़ अच्छी लगे उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बॉर्डर के जस्ट ऊपर हम एक वॉल डेकोर लगाएंगे, ये मैंने हैंडमेड बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के बना सकते हैं, बहुत ही डिसेंट लुक लग रहा है, ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है पूरा, सो आप जाके देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम कर्टन लगाएंगे, कर्टन मैंने खुद ही बनाया है, बहुत अच्छा कर्टन है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो इसे इसमें हैंग कर देते हैं कर्टन को, इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे, सो जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे बनाना है इसे। आई होप आपको ये आइडिया अच्छे लग रहे होंगे। एंड आप जो वॉल हैंगिंग देख रहे हैं कर्टन के जस्ट बगल में, ये भी वेस्ट कप से बना हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, सारी जितने भी हैंडमेड चीज़ें सबका दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। ये मैंने बेडशीट यहाँ पर बिछा दी है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो साइड में लोड भी रख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। सो आप पूरे रूम पे देखिए, मैंने प्लांट्स का यूज़ नहीं किया है, आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट का यूज़ किया है सिर्फ एक या दो, क्योंकि प्लांट्स आप खुद देखिए ना यहाँ पे रखेंगे तो कितना अजीब लगेगा, बहुत ज़्यादा भरा भरा रूम लगेगा, सो प्लांट्स का मैंने यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो विंडो के साइड में टांग सकते हैं कार्ड प्लांट्स, अच्छा लगेगा वहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है, मैं लाइटिंग में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में मैंने ये आइडिया सोचा, मतलब मैंने नॉर्मली ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, सो मैंने ये लीफ कुछ इस तरीके से लगा दी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, सामने से भी बहुत अच्छी लग रही थी, सो आप चाहें तो ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो आप इस तरीके से अपने रूम को डेकोरेट करिए, और सबसे अच्छा आइडिया आपको इनमें से हैंडमेड कौन सा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।